सभी कि मेरी आवाज फिर आप सब तक साफ नहीं कर रही। अपना माइक म्यूट कर रहे हैं कि तो है अपना माइक म्यूट करियो कर दिया कर ठीक है ठीक है कर स्टार्ट ठीक है। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हम आज कर रहे हैं, इसमें जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कंप्यूटर के हमारे पास 5 जनरेशन आती हैं। सुन रहा है सबको? सबसे पहले आता है फर्स्ट जनरेशन, जनरेशन इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी चेंज इन टेक्नोलॉजी, इसमें अलग अलग हर बार जितनी भी जनरेशन आई है हमारे पास उसमें टेक्नोलॉजी में हर बार चेंज होता रहा है। जनरेशन टर्म वाज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन हार्डवेयर एंड टेक्नोलॉजीज, देयर आर 5 कंप्यूटर जनरेशन। आवाज आ रही है ना? चीप से मुंह बना रहे। फर्स्ट जनरेशन का पीरियड था हमारे पास 1946 से 1959, जिसमें हमारे पास वैक्यूम ट्यूब बेस्ड कंप्यूटर्स यूज होते थे। ठीक है, इसमें आप थोड़ा बहुत नोट भी कर सकते हैं, थोड़ा जो आपको समझ आता है कुछ। वैसे आपके पास नोट्स आपको मिल जाएंगे पीडीएफ की फॉर्म में। एंड सेकंड जनरेशन इज द पीरियड ऑफ सेकंड जनरेशन वाज 1959 से 1965, जिसमें हमारे पास ट्रांजिस्टर्स यूज होते थे। ठीक है, थर्ड जनरेशन हमारे पास, द पीरियड ऑफ थर्ड जनरेशन इज 1965 टू 1975, और इसमें हमारे पास इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड जो हमारा वो यूज होते थे। हमारी फोर्थ जनरेशन आती है फिर, द पीरियड ऑफ फोर्थ जनरेशन इज 1971 टू 1980, इसमें हमारे पास होता है LSI माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड हमारा यूज होते थे। देन हमारे पास आता है फिफ्थ जनरेशन, द पीरियड ऑफ फिफ्थ जनरेशन इज 1980 से ऑनवर्ड जो अब तक चल रहा है हमारे पास। ठीक है, ये बस थोड़ा हमारे पास डिटेल में है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, जिसमें हमारे पास इसके फीचर्स आते हैं फर्स्ट जनरेशन के, जैसे वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी, अनरिलायबल था, स्पोर्टेड मशीन लैंग्वेज, ये जो सिर्फ मशीन लैंग्वेज को सपोर्ट करता था, एंड दिस इज वेरी कॉस्टली, जनरेट्स लॉट्स ऑफ हीट, और ये बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता था। और इसकी स्पीड स्लोस इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, इसमें जो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस थी वो बहुत ही स्लो थी, एंड ह्यूज साइज, और इसका साइज बहुत बड़ा था, नीड ऑफ एसी, इसमें एसी की रिक्वायरमेंट थी, नॉन पोर्टेबल एंड कंज्यूम लोड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास सेकंड जनरेशन, इसके हमारे पास फीचर्स आते हैं, इसमें हमारे पास क्या क्या फीचर्स हैं। द मेन फीचर ऑफ सेकंड जनरेशन इज यूज ऑफ ट्रांजिस्टर, इसमें हमारे पास ट्रांजिस्टर यूज होते थे। हाँ जी सुरजीत, आपके पास नेटवर्किंग का इशू होगा जिस कारण आपकी आपको हमारी आवाज कट कट के आ रही है। बाकी स्टूडेंट्स को सही आवाज सुनाई दे रही है? यस मैम। हाँ तो सुरजीत आप अपना थोड़ा नेटवर्किंग का देखिए, नेटवर्क इशू आ रहा है कि बाकी को सही आ रही है और आपको अगर कट कट के आ रही है तो नेटवर्क इशू होगा। देन आता है हमारे पास थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, द मेन फीचर ऑफ थर्ड जनरेशन, इसके क्या फीचर्स थे, इसमें आईसी यूज होती थी, आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज होता था,
दिस इज मोर रिलायबल एंड कंपैरिजन टू प्रीवियस टू जनरेशन. जब प्रीवियस टू जनरेशन से उनके कंपैरिजन में ये ज्यादा रिलायबल था. देन स्मॉलर साइज जनरेटेड लेस हीट, फास्टर, लेस मेंटेनेंस. जो हमारा फर्स्ट एंड सेकंड कंपेयर करें तो ये फास्टर था और लेस मेंटेनेंस की जरूरत थी. कॉस्टली था, एसी की रिक्वायरमेंट इसमें भी थी. देन कंज्यूम लेसर इलेक्ट्रिसिटी, सपोर्ट हाई लेवल लैंग्वेज. और ये जो हमारा था हाई लेवल लैंग्वेज को सपोर्ट करता था. नेक्स्ट हमारे पास आता है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर. द पीरियड ऑफ फोर्थ जनरेशन वाज, जैसे आपको पहले बताया गया है, 1971 से 1980 था. ठीक है, कंप्यूटर ऑफ फोर्थ जनरेशन यूज्ड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स. इसमें जो BLSI, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं BLSI, यूज होता था. हैविंग 50,000 ट्रांजिस्टर्स एंड अदर सर्किट एलिमेंट्स विद बी देयर एसोसिएटेड सर्किट्स ऑन सिंगल चिप. ठीक है, इसमें जो 5,000 ट्रांजिस्टर्स यूज होते थे जो सिंगल चिप के अंदर कवर करते थे. और इसके फीचर्स हमारे पास आएंगे. फर्स्ट आएगा BLSI टेक्नोलॉजी यूज वेरी चीप, पोर्टेबल एंड रिलायबल. यूज ऑफ पीसीज वेरी स्मॉल साइज, पाइपलाइन प्रोसेसिंग, नो एसी रिक्वायरमेंट. इसमें हमारे पास कोई एसी की रिक्वायरमेंट नहीं थी. कंसेप्ट ऑफ इंटरनेट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस जनरेशन. जो हमारा इंटरनेट का कंसेप्ट था वो बेसिकली इसी जनरेशन में यूज हुआ था. कंप्यूटर बिकम ईजिली अवेलेबल, कंप्यूटर जो था वो ईजिली अवेलेबल थे इस जनरेशन में. एंड द लास्ट वन इज फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर. फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में जो फिफ्थ जनरेशन हमारी चल रही है, जो अब तक चल रही है, द पीरियड ऑफ फिफ्थ जनरेशन इज 1980 टिल डे. इन द फिफ्थ जनरेशन VLSI टेक्नोलॉजी बिकम अल्ट्रा लार्ज स्केल टेक्नोलॉजी. जो VLSI टेक्नोलॉजी हमारी फोर्थ जनरेशन में यूज होती थी वो किस में चेंज हो गई थी? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी में. रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर चिप हैविंग 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट. इसके फीचर्स क्या थे? इसमें ULSI टेक्नोलॉजी यूज होती थी. डेवलपमेंट ऑफ क्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यूज होती थी. एडवांस पैरेलल प्रोसेसिंग, उसमें हमारी पाइपलाइन प्रोसेसिंग यूज होती थी. और फिफ्थ जनरेशन में हमारे पास पैरेलल प्रोसेसिंग आ गई थी. एडवांस इन सुपर कंडक्टर टेक्नोलॉजी, मोर यूजर फ्रेंडली विद मल्टी मीडिया फीचर. ठीक है, कंप्यूटर्स हमारे पास एग्जांपल आ जाते हैं जो फिफ्थ जनरेशन में हमारे पास आए. डेस्कटॉप आ गया हमारे पास, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक एंड क्रोमबुक. ठीक है, तो ये थी हमारे पास जनरेशंस. नेक्स्ट हमारे पास आएगा ठीक है सर, इतना सुनाई दिया है, सबको समझ आया? कोई मैसेज करके बताओ मेरे को. इसके जो नोट्स हैं आपको YouTube पे मिल जाएगा ये लेक्चर, और इसके साथ ही नोट्स भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे इसके. ओके स्टूडेंट, गुड, ठीक है, वेरी गुड, सबको सुनाई दे रहा है ना? ठीक है, तो नेक्स्ट आपको ये इनपुट डिवाइसेस नजर आ रही है, इनपुट डिवाइसेस कर देते हैं हम. इनपुट डिवाइसेस में हमारे पास कंप्यूटर की जो इनपुट डिवाइसेस हैं वो है हमारे पास कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, स्कैनर, ग्राफिक टैबलेट, माइक्रोफोन, मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर जिसे हम MICR भी बोलते हैं, एंड ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, दिस इज OCR,
बारकोड रीडर एंड ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो अब थोड़ा इनके बारे में पढ़ लेते हैं हम कि कीबोर्ड हमारा क्या होता है। सबको पता है ये कीबोर्ड होता क्या है? कीबोर्ड इज द मोस्ट कॉमन एंड वेरी पॉपुलर इनपुट डिवाइस विच हेल्प टू इनपुट डाटा, जो हमारा डाटा को इनपुट करने के लिए यूज किया जाता है। द ले ऑफ कीबोर्ड इज लाइक दैट ऑफ ट्रेडिशनल टाइपराइटर, ऑल्सो देयर आर सम एडिशनल कीज प्रोवाइडिंग परफॉर्मिंग एडिशनल फंक्शन, जिसमें हमारे पास फंक्शन कीज, सिंबल्स एंड न्यूमेरिक की और अल्फाबेटिक कीज होती हैं, जिसे हम कीबोर्ड बोलते हैं। ठीक है, टाइपिंग कीज आती है इसके अंदर हमारे पास, टाइपिंग कीज में हमारे पास आ जाती है ए टू जेड कीज, एंड जो हमारे पास न्यूमेरिक कीज होती है वो हमारी टाइपिंग कीज के अंदर आती है। देन न्यूमेरिक कीज एंड फंक्शन कीज, फंक्शन कीज हमारे पास 12 फंक्शन कीज आ होती हैं, एंड कीबोर्ड विच आर अरेंज इन ए रो एट द टॉप ऑफ द कीबोर्ड, जो सबसे ऊपर हमारे पास कीबोर्ड में टॉप पे होती है वो फंक्शन कीज होती है। ठीक है, कंट्रोल कीज आती है, कंट्रोल कीज हमारे पास होम एंड इंसर्ट डिलीट पेज अप पेज डाउन कंट्रोल अल्टरनेट एंड एस्केप, दिस इज अवर कंट्रोल कीज। स्पेशल पर्पस कीज, कीबोर्ड आल्सो कंटेन सम स्पेशल पर्पस कीज सच एज एंटर शिफ्ट कैप्स लॉक न्यूमेरिक लॉक स्पेस बार टैब्स एंड प्रिंट स्क्रीन, दिस इज अवर स्पेशल पर्पस कीज। ओके, नेक्स्ट हमारी इनपुट डिवाइस आती है माउस। माउस इज द मोस्ट पॉपुलर इनपुट डिवाइस पॉइंटिंग डिवाइस, इट इज वेरी फेमस कर्सर कंट्रोलिंग डिवाइस हैविंग ए स्मॉल पॉम साइज बॉक्स विद ए राउंड बॉल एट द बेस। ठीक है, माउस के बारे में सबको पता ही है, इसमें हमारे पास टू बटन्स होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट, एंड एक व्हील बीच में होता है इसके, जिससे हम स्क्रोल बार की तरह यूज करते हैं, जो हमारा स्क्रोलर का काम करता है। माउस हमारे पास इनपुट डिवाइस है पर ये बट इट कैन नॉट बी यूज्ड एंटर टेक्स्ट इन द इनटू कंप्यूटर। ठीक है, ये टेक्स्ट एंटर करने के लिए यूज नहीं किया जाता। दिस इज वेरी इजी टू यूज, नॉट वेरी एक्सपेंसिव, मूव द कर्सर फास्टर देन एरो कीज ऑफ द कीबोर्ड, जिससे हम आसानी से अपने सिस्टम पे काम कर सकते हैं माउस की हेल्प से। नेक्स्ट हमारे पास आती है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक इज ऑल्सो ए पॉइंटिंग डिवाइस, ठीक है, the cursor position on a monitor screen it is a stick having a spiral ball at the both lower and upper ends, the lower spiral ball moves in a socket, the joystick can be moved in four direction, ye aapki four direction pe use hoti hai, jisme ye basically computer aided designing and playing games ke liye use ki jati hai, computer aided design jise hum CAD bhi bolte hain। next input device aati hai hamare paas light pen। Light pen is a pointing device similar to a pen. It is used to select a displayed menu item or draw pictures on the monitor. ठीक है, light pen आपका किस लिए use किया जाता है कि आप इसको monitor पे कुछ भी draw करने के लिए use कर सकते हो। Next आता है trackball. Trackball is an input device that is most used in notebooks or laptop computer. ये हमारी laptop computers में use की जाती है instead of mouse. Mouse की जगह हमारे पास trackball use की जाती है इस time. This is a ball which is half inserted by an moving finger on the ball. Next आता है scanner. Scanner के बारे में भी आप सबको पता ही है. Scanner is an input device which works more like a photocopy machine. एक photocopy machine की तरह काम करता है. It is used some information away on paper. It is transferred to hard disk. ठीक है, जो भी हमारे पास information होती है हमारे system में है, उसको हम scanner के through hard disk में convert कर सकते हैं. Next आता है digitizer. Digitizer is an input device which converts along information into digital form. ठीक है, कुछ भी information हमारे पास है इसको हम digital form में convert करने के लिए digitizer का use करते हैं. Digitizer can convert a signal from the television or camera into a series of numbers that could be stored in a computer. ठीक है, next आता है microphone. Microphone is an input device. This is input sound that is then stored in a digital form. जो हम अपने साउंड को डिजिटल फॉर्म में स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, दिस इज माइक्रोफोन। एंड द अदर इनपुट डिवाइस इज मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर MICR. ठीक है, जिसे हम MICR भी बोलते हैं, मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर इनपुट इज जनरली यूज टू बैंक्स, जो हमारी जनरली कहाँ यूज होती है, बैंक्स में
देर आर लार्ज नंबर ऑफ चेक टू बी प्रोसेस्ड एवरी डे. इसमें हमारे जो चेक्स होते हैं वो प्रोसेसिंग के लिए इसमें हमारी MICR यूज की जाती है. नेक्स्ट आता है ऑप्टिकल करेक्टर रीडर OCR. OCR इज एन इनपुट डिवाइस यूज टू रीड ए प्रिंटेड टेक्स्ट. ठीक है, ये आपकी टेक्स्ट प्रिंट करने के लिए यूज की जाती है. नेक्स्ट आता है बारकोड रीडर. बारकोड रीडर्स भी जो आजकल बहुत मोस्टली यूज किया जाता है, जैसे हम मॉल्स वगैरह में जाते हैं वहां पर हम कुछ सामान वगैरह खरीदते हैं तो उसके लिए हमारे पास बारकोड रीडर होता है जिसके थ्रू उसकी प्राइस का पता चलता है. बारकोड रीडर इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर रीडिंग बारकोड. बारकोड डाटा इज जनरली यूज्ड इन लेबलिंग गुड्स, नंबरिंग द बुक्स एक्सेट्रा. ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑप्टिकल मार्कर रीडर OMR. OMR इज स्पेशल टाइप ऑफ ऑप्टिकल स्कैनर यूज्ड टू रिकॉग्नाइज द टाइप ऑफ मार्क मेड बाय पेन और पेंसिल. इट इज यूज्ड वेयर वन आउट ऑफ अ फ्यू अल्टरनेटिव इज टू बी सिलेक्टेड एंड मार्क. ठीक है, दिस इज अवर इनपुट डिवाइस. तो ये तो थी हमारी इनपुट डिवाइस. समझ आया सबको इतना? हाँ जी स्टूडेंट, समझ आई सबको इनपुट डिवाइसेस? स्पीकर बंद आज नहीं करते सारे. ओके, अपने अनम्यूट करके कोई एक बता दो मेरे को. ठीक है जी, आ गया समझ में. आगे कौन सा है जी? ये तो इनपुट डिवाइसेस थी. अब नेक्स्ट हमारे पास आउटपुट डिवाइस आएंगी. ठीक है जी. ठीक है, नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस की शेयरिंग सबको हो रही है? स्क्रीन शेयर हो रहा है सबको? कंप्यूटर की आउटपुट डिवाइसेस में हमारे पास आता है इनपुट डिवाइसेस. जो अभी आपने की थी इनपुट डिवाइस दैट आर यूज फॉर इनपुट डाटा. ठीक है, और आउटपुट डिवाइस जो हमें आउटपुट देती है. फॉलोइंग आर सम इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस. आउटपुट डिवाइस कौन सी होती है? जैसे मॉनिटर जिनसे हमें आउटपुट मिलता है, ग्राफिक प्लॉटर्स एंड प्रिंटर्स. ठीक है, इनको थोड़ी डिटेल में कर लेते हैं हम. मॉनिटर्स हमारे पास आता है, मॉनिटर्स कॉमनली कॉल्ड एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट जिसे हम VDU भी बोलते हैं, आर द मेन आउटपुट डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर. इट फॉर्म्स इमेजेस फ्रॉम टाइनी डॉट्स कॉल्ड पिक्सल्स. ठीक है, जैसे आपके फोन्स वगैरह में भी होती हैं पिक्सल्स. द शार्पनेस ऑफ इमेज डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पिक्सल्स. देयर आर टू काइंड्स ऑफ व्यूइंग स्क्रीन यूज्ड फॉर मॉनिटर. कौन कौन सी स्क्रीन यूज होती है? एक तो आती है कैथोड रे ट्यूब जिसे हम CRT बोलते हैं. नेक्स्ट आती है फ्लैट पैनल डिस्प्ले. कैथोड रे ट्यूब CRT डिस्प्ले इज मेड एक स्टूडेंट्स आप फालतू के मैसेजेस मत कीजिए. जो मैं बता रही हूँ बस वो सुनिए और उसका मुझे हाँ या ना में जवाब देना है. अगर समझ नहीं आ रहा तो वो बताइए, उठपटांग के मैसेजेस करके टाइम वेस्ट मत करो. ठीक है, वरना मैं आपको रिमूव कर दूंगी क्लास से. देयर आर टू काइंड्स ऑफ व्यूइंग स्क्रीन यूज्ड फॉर मॉनिटर. फर्स्ट इज CRT एंड द नेक्स्ट वन इज फ्लैट पैनल डिस्प्ले. द CRT डिस्प्ले इज मेड अप ऑफ स्मॉल पिक्चर एलिमेंट्स कॉल्ड पिक्सल्स.
स्मॉलर द पिक्सल द बेटर द इमेज क्लैरिटी ऑफ रिजोल्यूशन। ठीक है, आपको पिक्सल्स का पता ही होगा कि जैसे हमारे स्मॉलर पिक्सल्स होंगी उतनी ज्यादा हमारी इमेज क्वालिटी क्लियर होगी, और जितनी ज्यादा बड़ी पिक्सल्स होंगे उतनी हमारी इमेज की क्वालिटी बेटर नहीं होगी। द फाइन नंबर्स ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी डिस्प्ले ऑन स्क्रीन एट वंस। देयर आर सम डिसएडवांटेज ऑफ सीआरटी। सीआरटी की डिसएडवांटेज क्या आती है हमारे पास, दिस इज लार्ज इन साइज हाई पावर कंजप्शन। ये हमारे पास साइज में बहुत बड़ी थी और कंजप्शन पावर की जो कंजप्शन थी वो बहुत ज्यादा। नेक्स्ट आता है हमारे पास फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर। व्हाट इज फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर? द फ्लैट पैनल डिस्प्ले रेफर्स टू अ क्लास ऑफ वीडियो डिवाइस दैट हैव रिड्यूस्ड वॉल्यूम वेट एंड पावर रिक्वायरमेंट इन कंपैरिजन टू द सीआरटी। यू कैन हैंग देम ऑन वॉल्स ऑन वियर देम ऑन योर रिस्ट। ठीक है, जैसे आपके पास एलसीडी एलईडी मॉनिटर्स आए थे, दिस इज अवर फ्लैट पैनल डिस्प्ले। एंड द करंट यूज ऑफ फ्लैट पैनल डिस्प्ले includes calculator, video games, monitor, laptop and graphic display. This is all are over flat panel display. ठीक है, next आता है हमारे पास printer. Printer आपका output device है. Printer is an output device which is used to print information on paper. There are two types of printer. Printers हमारे two types के होते हैं, impact printer and non-impact printer. Impact printer में क्या आएगा? Impact printer print the characters by striking on the ribbon which is then pressed on the paper. Characters of impact printer की characteristics क्या आएंगी हमारे पास? Characteristics of impact printers are, this is very low consumption cost, very noisy. Very noisy, useful of bulk printing due to low cost. ठीक है, these printers are two types. ये printer हमारे पास two types के होते हैं, character printer and line printer. Character printers में हमारे पास आता है dot matrix printer जिसे हम DMP DMP भी बोलते हैं, एंड डेजी व्हील प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स एंड डेजी व्हील प्रिंटर। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, दिस प्रिंटर इज वेरी पॉपुलर बिकॉज ऑफ देयर इज ऑफ प्रिंटिंग एंड इकोनॉमिकल प्राइस। ठीक है, नेक्स्ट इसके एडवांटेजेस आती हैं, इट इज वेरी एक्सपेंसिव वाइडली यूज्ड अदर लैंग्वेज कैरेक्टर कैन बी प्रिंटिंग। ये बहुत ही एक्सपेंसिव है, वाइडली यूज्ड है, स्लो स्पीड है इसकी। नेक्स्ट आता है हमारे पास डेजी व्हील प्रिंटर। हेड इज लेइंग ऑन अ व्हील एंड पिन कोरिस्पोंडिंग टू कैरेक्टर आर लाइक पेटल्स ऑफ फ्लावर व्हिच इज व्हाई इज कॉल्ड डेजी व्हील प्रिंटर। दिस प्रिंटर आर जनरली यूज्ड फॉर वर्ड प्रोसेसिंग इन ऑफिसेस दैट रिक्वायर अ फ्यू लेटर्स टू बी सेंड हियर। डेजी व्हील प्रिंटर हमारा बेसिकली यूज होता है हमारे ऑफिस वगैरह में, जो प्रिंटर्स यूज होते हैं वो डेजी व्हील प्रिंटर होते हैं। इसमें हमारे पास एडवांटेज आती है, मोर रिलायबल देन डीएमपी, बेटर क्वालिटी, इसकी क्वालिटी जो है वो बेटर है। डिसएडवांटेज आएगी, स्लोवर देन डीएमपी, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के कंपेरिजन में ये स्लोवर है, नॉइजी है एंड मोर एक्सपेंसिव देन डीएमपी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर्स आर द प्रिंटर्स which print one line at a time, जो हमारे पास एक लाइन को एक टाइम में प्रिंट करवाता है। There are two types of line printer. First one is drum printer and the second one is chain printer. ठीक है, this printer is like a drum in space, hence it is called drum printer. Next हमारे पास इसकी आती है advantage, this is very high speed, very expensive, character fonts cannot be changed. The last one is chain printer. ठीक है, अगर नेक्स्ट आता है लेजर प्रिंटर। ये हमारे पास कुछ प्रिंटर्स हैं जो हमारी आउटपुट डिवाइसेस
के लिए यूज किए जाते हैं। तो ये थी हमारे स्टूडेंट्स आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस आपकी हो गई है। इतना समझ आया सबको? हाँ जी। इसको कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। प्रिंटर कितने प्रकार के हैं जी? कोई डाउट नहीं है। क्लियर है? प्रिंटर कितने प्रकार के हैं जी? There are mainly two types होते हैं, two types of printer होते हैं, impact printer and non impact printer। आगे impact printer के आगे parts आते हैं, non impact printer। Non impact। ठीक है? ठीक है जी। इसके notes आपको मिल जाएंगे, आप YouTube channel पे जाके ये आपको lecture जो दोबारा भी आप इसको सुन सकते हो, ठीक है? YouTube पे कैसे जी? YouTube पे आपको हार्टोन स्किल सेंटर के नाम से जो हमारा YouTube का चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करके उस पे देख के ये लेक्चर आपको वहां मिल जाएगी, इसकी वीडियो। ठीक है मैम। किस नाम से आज चैनल? हार्टोन स्किल सेंटर यमुनानगर। ठीक है। बिल्कुल भी आपकी क्लास इसी टाइम लगेगी, आपको मैसेज चला जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप अपनी क्लास कंटिन्यू कर सकते। अब हमारी क्लास बंद होने का टाइम हो गया। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, बाय। अटेंडेंस लगा जी। अटेंडेंस लगा दियो जी। हाँ जी, अटेंडेंस लग जाएगी सबकी।